याद रखिएगा, मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, अपना अनुभव को शेयर करने आया हूँ। सही है, तो आइए चलते हैं ट्रेनिंग की ओर। यही वो सिस्टम है जहां से कुछ चंद काम करके मैं इस लेवल में हूँ, ढेर सारे लीडर्स अपने सपने पूरे करें जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म के रचयिता तीनों एमडी साहब को मेरा दिल से नमन है, सलाम है, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग की जिंदगी बदल रही है। तो आइए चलते हैं ट्रेनिंग की ओर, कुछ स्लाइड की ओर चलते हैं साथियों। तो बिल्कुल स्लाइड में बने रहिएगा, अपना मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं स्लाइड में। मैं प्रकाश ठाकुर आप सभी का साथियों इस पावरफुल सिस्टम में, आप सभी का स्वागत करता हूँ केटीएस सिस्टम में, जिसके बैनर तले हजारों लोग की जिंदगी बदल चुकी है, बदल रही है। सही है, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक था, रियल में ना सफलता का ना कोई मूल मंत्र, रहस्य दुनियादारी बिल्कुल नहीं है, या हम ढूंढते हैं ना तो सच बता रहा हूं टाइम वेस्ट है वो। मैं सोचता हूँ सबका थिंकिंग अलग है। तो दोस्तों मुझे ना दो सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, अचीवमेंट लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, बड़े बड़े अचीवमेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए। दो सिद्धांत मूल लगता है मुझे, मुख्य लगता है। तो चलते हैं, वो कौन कौन सा है? वाओ, रियल में बता दें। तो आइए चलते हैं। पहला जो सिद्धांत है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, सुबह उठिए और जो पाना है, जी हाँ, जो सपने आप देखे हैं, जो टारगेट बनाए हैं, जो गोल बनाए हैं, जो जिम्मेदारी आपके पास है अपने लिए, अपनों के लिए, तो यार सुबह उठिए और जो पाना है उसके लिए डट जाइए। क्या है सिद्धांत? सुबह उठिए, जो पाना है आपको, गोल्ड बनना है, गोल्ड के लिए भिड़ जाइए, रैंक अपडेट करना है, रैंक अपडेट के लिए भिड़ जाइए, इनकम करना है, इतना इनकम करना है, टारगेट बनाए उसके लिए भिड़ जाइए। सही है, ये सिद्धांत आपका काम करेगा, क्योंकि और कोई चीज सफलता का रहस्य नहीं है। सफलता का रहस्य सिर्फ इतना है, सिद्धांत इतना ही है, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सुबह उठें और उसके लिए डट जाएं। आप एक टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए, सुबह उठें उसके लिए डट जाइए, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, किसी से बात करने में, मांगने में, पूछने में, शेयर करने में, जानकारी देने में शर्म डर बिल्कुल नहीं करना है साथियों। दूसरा सिद्धांत, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है क्या बोल सकते हैं भैया? अरे भाई, नहीं से ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते हो, उनसे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है कुछ। किसी लोग को आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? या तो हाँ बोलेगा, या तो ना बोलेगा, उसके अलावा क्या करेगा? तो पहला सिद्धांत, जो चाहिए उसके लिए सुबह उठिए और दिलो जान से आप डट जाइए जो चाहिए उसके लिए, क्योंकि साथियों अगर उसके लिए नहीं डटेंगे तो क्या लगता है आपको मिलेगा? नहीं डटेंगे तो डैम श्योर है नहीं मिलेगा, लेकिन डट गए ना तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन कब डटेंगे भिड़ेंगे तब। सही है, दूसरा जो सिद्धांत है, किसी से बात करने में, किसी से जानकारी शेयर करने में बिल्कुल भी शर्म डर बिल्कुल नहीं करना है साथियों, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा यार आपको नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सही है, और नहीं बोल देंगे करके आप बात ही नहीं करेंगे तो हाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। सही है, तो बिल्कुल दोस्तों ये दूसरा सिद्धांत है भैया, आपको बात करने से, शेयर करने से, जानकारी देने से बिल्कुल भी डर, झिझक, शर्म नहीं होनी चाहिए। सही है, यही दो सिद्धांत में मैं काम करता हूँ साथियों। और कहते हैं यार, जितने भी सफल व्यक्ति है ना, क्या उन लोग नहीं नहीं सुने होंगे क्या? क्या लगता है आपको? नहीं सुने होंगे भाई, एक से एक फटकार मिला होगा,
लेकिन जिनका सपनों में दम होता है ना, दम यार, किसी के ना से उसको फर्क ही नहीं पड़ता। किसी के ना कहने से क्या अपना सपनों को चकनाचूर कर देंगे क्या, खत्म कर देंगे क्या? सही है, ढेर सारे उदाहरण है दोस्तों। बिल गेट्स सर को देख लीजिए, क्या किसी ने मना नहीं किया होंगे क्या इनको? किसी ने नो नहीं बोला होगा? अंबानी सर को किसी ने नो नहीं बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इन लोग का कहना सिर्फ इतना है, ये लोगों की जो बातें हैं ना, उसको सिर में ढोना नहीं है बोझ की तरह। क्या करना है, पैर के नीचे रखो दबा के, नहीं तो बोझ बन जाएगा। और ढेर सारे उदाहरण इसी सिस्टम में, उदाहरण ढेर सारे हैं दोस्त, देख सकते हैं। इतने सारे लीडर्स हैं हमारे, डायमंड लीडर है, रूबी लीडर्स हैं, एमराल्ड लीडर्स हैं। इन लोगों को क्या स्टार्ट किया था तो ना नहीं बोले होंगे? इतना ना सुने हैं ना, उनसे पर्सनली बात कीजिएगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो यार नो को ना साइड कर देता है। नो से उनको फर्क ही नहीं पड़ता। सही है, तो साथियों रियल में ये दो सिद्धांत बहुत काम का चीज है, इसमें मैं खुद काम करता हूं। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों उसके बाद। सच्चाई है, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जी हाँ, गांठ बांध लीजिए, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। देखो चींटी छोटी सी है, कितना बड़ा लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया है, क्योंकि उनको पता है भैया हद में रह के काम ही नहीं होगा। सही है, तो दोस्तों रियल में जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। आइए चलते हैं इस प्लेटफॉर्म में, जितने भी लोग को आप अभी देखे ना, ये सबको देखे हैं आप, सब में एक चीज शानदार है, कॉमन है, टारगेट सेट करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा रैंक अचीवमेंट लेना है। तो दोस्तों इस डीएमपीएल में आपको भी सफल होने के लिए टारगेट को सेट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। टारगेट आप बना सकते हैं, जो आजकल में ज्वाइन किए हैं गोल्ड नहीं बने हो, गोल्ड का टारगेट कर सकते हैं। गोल्ड बनिया शानदार इनकम दिखना चालू हो जाता है। रैंक आप टारगेट कर सकते हैं, अगर आप गोल्ड है तो स्टार के लिए, 2 स्टार के लिए, 3 स्टार के लिए परलक रैंक बनाए, टारगेट बनाए। हर दिन कैपिंग इनकम ले, कंपनी रोज पैसा दे रही है 5,052 रुपए एक आईडी में, और जो मल्टीपल आईडी लगाया हो तो उसके लिए चांदी चांदी है। हर दिन कैपिंग इनकम दे रही है कंपनी, उसको लेने का टारगेट बनाए। मटेरियल मीन्स एक्टिवा, स्कूटी, बाइक, कार, ये सारे चीज गोल्ड लेने का टारगेट बनाए, जैसे कि सारे लीडर्स ले रहे हैं, आए दिन आप सुनते हैं। मंथ में लाखों का इनकम का टारगेट बनाए, 1 महीने का, देखो कई सारे लोग, कई लीडर्स लोग ले रहे हैं महीने का 1 लाख रुपए का इनकम। ठीक है दोस्तों, टारगेट ही ना काम कराएगा, कसम बता रहा हूं, टारगेट ही काम कराएगा आपको। जितने भी लीडर्स आप पूछेगा ना, टारगेट है उनका, जितने भी लोग का भी सुने हैं ना, उन लोग का टारगेट था। तो काम क्या कराएगा, वर्ल्ड फॉर टारगेट, टारगेट आप बनाएंगे तब उसको अचीवमेंट करने के लिए काम करेंगे। सही है, तो चलिए दोस्तों आगे चढ़ते हैं। ये तो टारगेट की बात हो गई, अब टारगेट बन गया तो उसको कामयाब कैसे होंगे उसमें? तो 3 राह है कामयाबी की इस प्लेटफॉर्म में। पहला, 2% करें सीनियर से बात जो ड्रीमर हो। 2% बात करना है, लेकिन किनसे? करेंट सीनियर से, एक्टिव लीडर से, जो इनका ड्रीम हो पूरा करना चाहता है। 90% आपके अंदर खुशियां होना चाहिए, और 98% तरीका, वो भी सिस्टम का, आपका नहीं। जी हाँ, तरीका आपका नहीं, सिस्टम का। आगे चलते हैं वन बाय वन। 2% बात करना है बिजनेस को लेकर, किनसे करना है?
एक्टिस यूनिवर्स है काम की और इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से समझिएगा। 2% है लेकिन पूरा 100% इसी पर डिपेंड है सक्सेस जो है आपकी। एक्टिव सीनियर से काम की बात करना है और इम्पोर्टेंट बात करना है दूसरा, और सीनियर की बात दिल से माने, जी हाँ फॉर्मेलिटीज नहीं, सही है। जिस तरीके से आप नॉलेज लेना चाहते हो उस तरीके से आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सीनियर अपने पार्टनर का अहित नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। तो यार दिन में कम से कम 2 बार अपने एक्टिव अप्लायंस से जरूर बात करें। आगे चलते हैं दोस्तों, 90% एक्साइटमेंट। पहला क्या था, बातचीत करना था अपने सीनियर से, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपके सीनियर आपके लेवल से आगे आ चुके हैं, आपके लेवल में थे। बोलते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, तो उसी तरह सीनियर भी आप ही की तरह एक जूनियर था, तो बिल्कुल सारे चीज को जानते हैं, उनसे सही गाइड मिल सकता है आपको। 90% एक्साइटमेंट, शानदार जिंदगी बदल देने वाले प्लेटफॉर्म आपको मिला है साथियों। देखिए हजारों लोग की जिंदगी बदल चुकी है, यहाँ पर प्रेजेंट में मैं खुद हूं। मेरी हाल इतनी बदहाल थी कि पूछो मत, 9-10 महीना पहले। आज आप जानते हो 49 लाख रुपए इनकम कर चुका हूं। कितना? 49 लाख रुपया। जिंदगी पूरी बदल गई है, आपके पास भी मौका है। हर दिन 5,052 रुपये इनकम करने का मौका है एक आईडी में। खुश रहा जा सकता है, बाहर में पूछो लोग महीने में कमाते हैं मुश्किल से। और टोटली वर्क फ्रॉम होम, वो भी ऑनलाइन, घर से करना है, बाहर जाना ही नहीं है। तो दोस्तों खुश रहने का बहुत सारा रीजन है, ये 3 कम से कम रीजन लिख दिया मैं इंपॉर्टेंट। 8% तरीका लेकिन सिस्टम का, जी हाँ 8% तरीका लेकिन सिस्टम का। तो मैं बताना चाहूंगा ये 3 राह कामयाबी की है, तीनों में से एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, सही है। तो चलते हैं, 2% हो गया फाइन ट्यूनिंग, 90% एक्साइटमेंट, 8% तरीका में आते हैं, जिसमें आता है लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फीडबैक और क्लोजिंग। 1 बाय 1 चलते हैं दोस्तों, लिस्ट बनाने का तरीका। स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत होता था लिस्ट बनाने में, लेकिन समझ में आया हमारा बिजनेस लोगों का है, तो कम से कम 150 लोग का लिस्ट आपके पास रहना चाहिए। लेकिन लिस्ट बनाते समय अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि भैया पैसा सबको सबको और सबको चाहिए, तो लिस्ट बनाएंगे तभी लोगों को दे पाएंगे आप, नहीं तो अच्छे लोग छूट जाएंगे जो बड़ा बिजनेस दे सकते थे। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया, लिस्ट में शामिल नहीं किया तो, सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट बनाने में कोई आपको वो नहीं लगेगा, कोई महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाइए लिस्ट बनाइए, क्योंकि कामयाब होने आप आए हैं। तो कामयाब नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, सही है। आगे चलते हैं, अगर लिस्ट बन गया है तो एक शानदार काम करना है जो महत्वपूर्ण है, आधार स्तंभ है कामयाब होने के लिए, इनविटेशन। साथियों सबसे पहले आप देने वाले के नजरिए रखें, जब इनविटेशन आप कर रहे हैं ना तो दिमाग में आपका एक ही बात चलना चाहिए इनविटेशन करने के लिए, कि आपका नजरिया देने वाला का हो, आप किसी को दे रहे हैं। एक उदाहरण दूं, यहाँ पर हम भिखारी को 1 रुपए भी देते हैं ना तो अगल बगल देख के देते हैं, दूर से ऐसे उछालते हैं कि ठंड से बजे, और उस समय हमारा नजरिया क्या रहता है, एकदम पोस्चर हाई रहता है, यार मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों इस अवसर को आप दे रहे हो ना, एकदम पोस्चर हाई होना चाहिए आपका, नजरिया देने वाला का होना चाहिए। और रियल में बताओ साथियों, आप देने वाले हो यार, मुझे मेरे सीनियर ने इस जानकारी को दिया, सोच लो एक बार इनकम बन गया होगा सर का, लेकिन जिंदगी किसकी बदल गई, यार मेरा, सही है। तो आप जिनको दे रहे हैं उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं आप,
लेकिन आपका नियत वैसी होना चाहिए। दूसरा, इनविटेशन के लिए यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो के माध्यम से ही करें। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं ना, अपना खुद का पावर नहीं है, सिस्टम का पावर है, वो वीडियो का पावर है। उस वीडियो को आप देख लिए, डैम श्योर है सभी लीडर की तरह लाखों रुपए का इनकम आपका रहेगा। तो इनविटेशन का जो ब्रह्मास्त्र है उनको देखना है आपको। याद रहे, छांटना नहीं है, बांटना है। जी हाँ, लोगों को छांटना नहीं है, काला है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, नाटा है, दुनिया है, दारी है, छांटना नहीं है, बांटना है। क्योंकि कहा जाता है, सफलता ना किसी का कलर और पर्सनालिटी देख के नहीं आता, सही है। और दोस्तों, नोट, इम्पोर्टेंट बात, आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा। चलिए, अपने लोगों को आप नहीं बताए, कोई और बता दिया और उनके साथ आके मस्त लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आपका बताना अच्छा रहेगा कि लोग बता के ला लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये आप तय करेंगे, सही है। आगे चलते हैं, सो द प्लान सीट का वैल्यू बताना। जी हाँ, सीट फुल हो जाता है 1 मिनट 2 मिनट में, सीट का वैल्यू बताना है। सो द प्लान के लिए सही टाइम में जूम में ज्वाइन कराएं, 5 मिनट पहले। कोशिश करें मीटिंग टाइम में ही लोगों को प्लान दिखाएं, मीटिंग टाइम में ही दिखाएं, चाहे यूट्यूब में हो चाहे जूम में हो, सही है। अब यह तरीका है, जी हाँ दोस्तों, जो आपका गेस्ट आपको बहुत अच्छे से जानता है, ना कि सीनियर को। आपको हिम्मत देना है उनको, यार मैं हूं, करते हैं, चलो इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं हूं ना भाई, चलो करते हैं। आपको हिम्मत देना है जिनके पार्टनर है, जिनके गेस्ट हैं। गलत कमिटमेंट नहीं करना है साथियों, एक बार सीनियर को पूछ ही ले अपनी बात, उसके बाद रखें। कोई उटपुटांग लोग मिल जाते हैं, गलत कमिटमेंट करवाते हैं, तो गलत कमिटमेंट आपको नहीं करना है, एक बार सीनियर से सजेस्ट कर लें। तो बस इतना सा काम है, जो भी यहाँ चीज बताया गया है, तरीका बताया गया है, यह सिस्टम का है, तो आप सिस्टम से करेंगे तो कॉमन सी बात है, सभी लीडर किस तरह बढ़िया पैसा बनाएंगे। लेकिन अपना तरीका मत लगाइएगा। और कहते हैं साथियों, सच है यार, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होती है किस्मत, मगर ये चारों के 4 अक्षर के शब्द में मेहनत के सामने सब छोटे होते हैं। मेहनत आप करोगे ना, नसीब भी चेंज कर सकते हो, लक भी चेंज कर सकते हो, भाग्य भी चेंज कर सकते हो, किस्मत पूरा सब चेंज कर सकते हो। आपको बस ये जो तरीका बताया गया उसको करना है, सही है। और बोलते हैं, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। साथियों, जितने भी यहाँ लाखों के इनकम कर रहे लीडर्स ना, लोग ना सब हंसे थे पहले, लेकिन उन्होंने ना कुछ करके दिखा दिया, आज लोगों का नाम लेते हैं, यार वो लाख के इनकम ले रहे हैं, लाखों के इनकम ले रहे हैं, शानदार लाइफ है। आपके साथ भी होगा साथियों। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही शानदार जबरदस्त शाम को एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें दोस्तों बताना चाहूंगा, जिसमें जितने ज्यादा लोग को आप बैठाएंगे, रिजल्ट दमदार आने वाला है। तो आज से तरीका को अपनाएं और अपनी जिंदगी में शानदार परिवर्तन लाएं। सो थैंक यू सो मच, विश